गुड मॉर्निंग टू एवरी वन. माई सेल्फ सुखविंदर कौर एंड आई एम अ टीचर ऑफ थर्ड क्लास. वी आर डूइंग द सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 13. हाँ जी बच्चे, उस दिन हमने लेसन नंबर 13 की फिल इन की ब्लैंक्स किसने कहा ये हमने कर लिया था. आज हम करेंगे उचित स्थान पर अनुस्वार व अनुनासिक लगाओ. ये जो उन्होंने शब्द दिए हैं, किस पर बिंदी आनी है, किस पर चांद बिंदु आना है, ध्यान से देखें फिर हम लगाते हैं. मूश, मूश के ऊपर हम चांद बिंदु लगाएंगे. जैसे आप राइट कर लें, अंदर, अंदर के ऊपर क्या आएगा, बिंदु. नंबर 3, गांव, गांव के ऊपर भी हम चांद बिंदु लिखेंगे. 4, पिंजरा, पिंजरे के ऊपर हम बिंदु लगाएंगे. आंख, आंख के ऊपर भी चांद बिंदु आएगा. जे उन्होंने धारियां लिखा है, धारियां के ऊपर भी बिंदु आएगा. ओके, ऐसे. नीचे सही वर्तनी वाले शब्द पर सर्कल लगाओ. जहां पर हमने देखना है कौन से शब्द सही हैं, उस पर हमने सर्कल लगाना है. जैसे पक्षी के कौन से स्पेलिंग सही हैं, ध्यान से देखो, जे. जैसे इस पर अपने जो शब्द राइट है उस पर हम सर्कल लगा देंगे. सिंगराई, इस पर हम सर्कल लगाएंगे. बीमार के, इस पर हम सर्कल लगाएंगे. हकलाना, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इस पर आप सर्कल लगा दो. घबराहट, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इस पर आप सर्कल लगा दो. ये काम आपने बेटा ओनली बुक्स पर ही राइट करना है, तो करके बाद में मुझे आप सेंड करें. ओके, थैंक यू.